नमस्कार। हम सब जानते हैं कि भारत में गुरु का स्थान कितना महत्वपूर्ण है। जो भी व्यक्ति एक बालक के जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं उसमें गुरु के स्थान को सर्वोच्च स्थान पर माना जाता है। भारतीय परंपरा में गुरु की संकल्पना आधुनिक शिक्षा के टीचर की संकल्पना से बहुत श्रेष्ठ है। यह गुरु की संकल्पना क्या है, एक बालक के जीवन में गुरु की क्या भूमिका है और गुरु के कौन से प्रमुख उत्तरदायित्व होते हैं, इस सब पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रवीण कुमार तिवारी। आपका स्वागत है प्रवीण कुमार तिवारी जी। धन्यवाद गौरव जी। डॉक्टर प्रवीण कुमार तिवारी शिक्षा शास्त्र विद्या शाखा में सहायक आचार्य हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी में, और हमारे साथ आज गुरु की संकल्पना, इसकी भूमिका और उसके उत्तरदायित्व पर चर्चा करेंगे। चर्चा के प्रारंभ में मैं उनसे जानना चाहूँगा कि वे चर्चा का प्रारंभ करें कि भारतीय परंपरा में गुरु की संकल्पना है क्या। प्रवीण जी। धन्यवाद गौरव जी। जैसा कि गौरव जी ने बताया कि आज हम गुरु की संकल्पना, भूमिका और उत्तरदायित्व विषय पर आपसे संवाद करने आए हैं। गुरु शब्द पे जब हम चर्चा कर रहे होते हैं तो विश्व की अन्य संस्कृतियों की ओर जब हम ध्यान देते हैं तो देखते हैं कि गुरु शब्द बिल्कुल एक अनूठा शब्द की तरह उभरता है हमारे सामने। जो इसका मूल अर्थ है, विश्व की अन्य किसी भी संस्कृति में इस मूल अर्थ को व्यक्त करने वाला कोई शब्द सामान्यतया हमें प्राप्त नहीं होता है। अतः इस शब्द पर चर्चा करने से पूर्व हमें भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के लक्ष्य पर चर्चा करना बेहद आवश्यक है। जब हम भारत शब्द पे बात करते हैं तो भारत शब्द का मूल अर्थ भा में रत, अर्थात प्रकाश में रत रहने वाला, या ऐसा राष्ट्र जो निरंतर ज्ञान रूपी प्रकाश की यात्रा में लगा है, ऐसा देश वो भारत है, ये अर्थ सामने प्रकट होता है जी। गौरव जी, जब हम भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के लक्ष्य की पर चर्चा करते हैं तो भारत शब्द में ही यह लक्ष्य छुपा हुआ है। यानी प्रकाश की यात्रा में रत रहने वाला देश, और हमारी संस्कृति का एक बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है, असतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर मा अमृतम गमय जी। यानी यह देश, यह संस्कृति एक ऐसे मार्ग की ओर अपने अपने लोगों को, अपने नागरिकों को या पूरी मानव जाति को बढ़ाने की बात करती है जो असत्य से सत्य की ओर यात्रा कर रहे हों, जो अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा कर रहे हों, जो मृत्यु से अमृतत्व की ओर यात्रा कर रहे हैं। और यहाँ मृत्यु शब्द को समझना जरूरी है। भारतीय परंपरा में मृत्यु के लिए कहा गया है अज्ञानम मृत्यु। यानी मृत्यु क्या है? अज्ञानता ही, इग्नोरेंस ही मृत्यु है, और ज्ञान ही वो अमृत है। अमृत ज्ञान है और अज्ञानता मृत्यु है। इस लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग पर बात करना अब आवश्यक है जी। लक्ष्य तो हो गया कि हमें अमरता की ओर जाना, अमरता की ओर जाना है, हमें प्रकाश की ओर जाना है, हमें ज्ञान की ओर जाना है, लेकिन इस लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग क्या होंगे? क्या सिर्फ अमरता ही लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग है? इस विषय में ईसावासियोपनिषद के दो वाक्य मैं आपके सामने रखना चाहूंगा जी। ईसावासियोपनिषद कहता है, अंधम तमह प्रविशन्ति ये विद्यामुपाशते ततो भूय इवते तमो या उ विद्याम रता। यानी वे गहरे अंधकार में प्रवेश करते हैं जो केवल अविद्या की उपासना करते हैं। और यहां एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि अविद्या से अर्थ हे विद्या नहीं है। अविद्या का अर्थ सांसारिक ज्ञान से है। सांसारिक इस जीवन यात्रा को पूर्ण करने के लिए जो ज्ञान आवश्यक है उस ज्ञान से है जी। तो जो वे अंधकार में प्रवेश करते हैं जो केवल अविद्या की उपासना करते हैं, परंतु वे उससे भी गहरे अंधकार में गिरते हैं जो केवल विद्या में ही रत रहते हैं। क्योंकि सिर्फ विद्या में रत रहने से ये जीवन यात्रा तो पूरी नहीं हो सकती। जीवन यात्रा पूरी करने के लिए तो अविद्या की आवश्यकता है जी।
तो फिर जब अगले वाक्य की ओर हम बढ़ते हैं जो ईसावासियों उपनिषद कह रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान देने योग्य है कि विद्याम च यस्तद्वेदो भयम सह अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया मृतमश्नुते। बहुत ही अद्भुत वाक्य है जी, और ये हमारी भारतीय परंपरा का एक तरह से मूल वाक्य माना जाता है जी। यह कह रहा है कि जो विद्या और अविद्या दोनों को एक साथ जानते हैं वे अविद्या से मृत्यु को पार करते हैं, अर्थात जीवन यात्रा पूरी करते हैं। क्योंकि अब ये इस जीवन यात्रा को पूरी करने के लिए वो सारी जानकारियां हमें भोजन वस्त्र आवास और सारे लोक व्यवहार ये जानने जरूरी है। इसलिए अविद्या को जानकर वो जीवन यात्रा पूरी करते हैं और विद्या से अमृतत्व को प्राप्त करते हैं। जी। और इसी मूल वाक्य में गुरु की संकल्पना छुपी हुई है जी। आपने बड़े विस्तार से बताया कि गुरु की संकल्पना से पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के लक्ष्य क्या हैं, और जहां आपने ये बहुत स्पष्ट तौर पर बताया कि उसको अविद्या और विद्या दोनों को जानना आवश्यक है यदि ये जीवन यात्रा पूरी करनी है, तो विद्या और अविद्या दोनों हैं, और आपने ये भी स्पष्ट किया कि अविद्या हे अविद्या नहीं है। इसी क्रम में अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अब गुरु की संकल्पना को और प्रमुख तौर पर और विस्तार से स्पष्ट करें। मैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए जिस वाक्य तक हम लोगों ने यात्रा की कि लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग क्या होगा, तो लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग सीधे तौर पर स्पष्ट हो रहा है कि अविद्या और विद्या दोनों की प्राप्ति दोनों की प्राप्ति ही लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग है। और लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग कराएगा कौन? वो गुरु है जी। यानी गुरु सांसारिक ज्ञान और आत्मिक ज्ञान इन दोनों का प्रदाता है। गुरु एक और जहां जीवन यात्रा को सरल सहज और सुगम बनाने वाली अविद्या यानी सांसारिक ज्ञान प्रदान कर रहा है, तो वही दूसरी ओर विद्या प्रदान कर आत्म साक्षात्कार रूपी अमृतत्व का मार्ग भी दिखा रहा है जी। तो यही जो स्वरूप है भारतीय संस्कृति में गुरु का, ये अनूठा है, और अन्य किसी भी संस्कृति में इन दोनों पक्षों को समाहित करने वाले गुरु की चर्चा अप्राप्त है। नहीं, हमारी भारतीय परंपरा में ऐसे कई गुरुओं के उदाहरण भी आते हैं, चाहे वो आचार्य संदीपनी के उदाहरण हो या अन्य गुरुओं के उदाहरण हो, जिन्होंने अपने शिष्यों को सांसारिक ज्ञान प्रदान करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के प्रयोग किए, और उन प्रयोगों से गुरुओं ने ज्ञान प्रदान किया। मुझे लगता है कि एक दो यदि ऐसे उदाहरण आप यहाँ पर दे देंगे तो यह विषय और अधिक स्पष्ट हो जाएगा विद्यार्थी। जैसे उद्यालक श्वेतकेतु का संवाद है जी। श्वेतकेतु अध्ययन करके आ रहे हैं और उन्हें थोड़ा सा अभिमान हो जाता है कि हमने सब जान लिया। उद्यालक ने उनसे एक प्रश्न किया कि श्वेतकेतु, उनके अभिमान को देखते हुए, क्योंकि अभिमान जहाँ हुआ वही स्पष्ट हो गया कि ज्ञान प्रकट नहीं हुआ। ज्ञान प्रकट तभी होगा जब अभिमान समाप्त हो जाएगा जी। तो प्रश्न ये पूछा गया कि वो कौन सा ज्ञान है जिसको जान लेने के बाद कुछ भी शेष नहीं बचता है जी। तो श्वेतकेतु अचंभित हो गए कि उन्होंने तो ये सीखा ही नहीं, उन्होंने तो बहुत कुछ सीखा लेकिन ये प्रश्न उनके सामने नहीं आया। अर्थात यहां श्वेतकेतु सांसारिक ज्ञान तो सीख लिया उन्होंने, अविद्या तो सीख लिया, लेकिन जो विद्या जो आत्म तत्व का दर्शन कराती है उससे वो कहीं ना कहीं वो विरत रहे, वो नहीं सीख पाए जी। तो यहाँ इस तरह के कई उदाहरण हैं जहाँ जो एकांगी एक पक्षीय जो अपना विकास किया है उसे उसके जीवन को पूर्ण करने के लिए, उसके दूसरे पक्ष को भी सुदृढ़ करने के लिए, आत्मतत्व के ज्ञान से भरने के लिए भी गुरुओं ने प्रयास किया है। आपने बहुत विस्तार से और बहुत स्पष्ट तौर पर यह स्पष्ट किया कि गुरु कौन गुरु होता है और गुरु कैसे अपने शिष्य के जीवन का उद्धार करने के लिए कार्य करता है। मैं इसी क्रम में आपसे जानना चाहूँगा कि गुरुओं के लिए भी क्या कुछ मानक निर्धारित किए गए हैं, और यदि हैं तो वे क्या हैं? गुरुओं के लिए मानक पर बात करने से पूर्व गुरु शब्द का जो मूल अर्थ है इस पे भी मैं प्रकाश डालना चाहूँगा जी। एक वाक्य है
ये भारतीय परंपरा से निकला है, स्कंद पुराण का वाक्य है, गुरु गीता स्कंद पुराण का एक हिस्सा है। तो वहां की दो लाइनों को मैं आपके सामने रखूंगा जी। एक है गुकारस्तंधकारस्तो रूकारस तेज उच्यते अंधकार निरोधत्वात् गुरुरित्यभिधीयते जी। यहाँ गुरु का जो गु है यानी गुकार है वो अंधकार को प्रदर्शित कर रहा है। अच्छा। और रुकार वो तेज को, प्रकाश को प्रदर्शित कर रहा है जी। यानी जो अपने तेज से, अपने प्रकाश से अंधकार का निरोध करता है जी, जो शिष्य को ज्ञान से प्रकाशित करता है उसे गुरु कहा जाता है। हाँ। एक दूसरा वाक्य है जो बहुत चर्चित है, सारे लोग लगभग बहुत सारे लोग जानते होंगे इस वाक्य को, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी अज्ञान रूपी अंधकार से दृष्टिविहीन हुए आँख को ज्ञान रूपी अंजन से युक्त शलाका से जो खोल देता है उस गुरु को प्रणाम है। यानी ये गुरु क्या होता है, मूल रूप से ये दोनों वाक्य गुरु की संकल्पना पर प्रकाश डालते हैं जी। दूसरा प्रश्न जो आपने कहा कि गुरु के लिए मानक क्या होने चाहिए, हम किसे गुरु माने और किसे किसे गुरु बनने का हक नहीं है, तो इस विषय पर मैं नैषधीय चरित जो श्री हर्ष ने इसकी रचना की थी उसकी प्रथम सर्ग के चतुर्थ लाइन को मैं आपके सामने रखना चाहूँगा जी, जो कह रहा है अधीति बोधा चरण प्रचारणैर। ये गुरु के विषय में है जी। कह रहा है चार चरण हैं, अध्ययन जी, अध्ययन अर्थात विभिन्न विद्याओं, शास्त्रों, कलाओं और ज्ञान तत्व, जो विद्यापरक आत्मज्ञान तत्व है उसका उसका अध्ययन, यानी आत्मा का भी अध्ययन जी। दूसरा बोध, यानी विभिन्न विद्याओं, शास्त्रों, कलाओं व आत्म तत्व का बोध। और तीसरा आचरण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जी। और खासकर जब हम आज के शिक्षक की बात करते हैं और प्राचीन गुरु की बात करते हैं, ये बड़ा फर्क है कि विभिन्न विद्याओं, शास्त्रों, कलाओं व आत्म तत्व के ज्ञान के आधार पर दो मार्ग हमारे सामने आते हैं, एक प्रेय मार्ग और एक श्रेय मार्ग। एक जो मन को अच्छा लगता है, हाँ कि ये करने में मजा आ रहा है, और दूसरा जो वास्तव में श्रेष्ठ मार्ग है जिससे अपना और समाज का भला हो सकता है, ये श्रेय मार्ग है जी। तो जो श्रेय मार्ग है उसका आचरण, और ये जब तीन स्थितियां होंगी, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसने विभिन्न विद्याओं, शास्त्रों, कलाओं और आत्म तत्व का अध्ययन किया, उसका बोध उसके अंदर जागृत हुआ और उसने उसके आधार पर जो श्रेय मार्ग है उसके अनुरूप आचरण में उतारा जी। उसे ही हक है गुरु बनने का। क्योंकि जो चौथा चरण है वो प्रचार का है, वो शिक्षण का है जी। यानी शिक्षण का अधिकारी वही है जो अध्ययन, बोध और आचरण के मार्ग से होकर गुजरता है जी। इसीलिए भारतीय परंपरा में एक और शब्द मैं ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि श्रवण, मनन और निदिध्यासन, तीन लाइन प्रक्रिया है। आप सुनने का मतलब अध्ययन करने से है, मनन बोध का स्तर है और निदिध्यासन आचरण का स्तर है। ये तीनों के बाद ही गुरु। इसको यदि सरल शब्दों में कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि एक शिक्षक वही हो सकता है जो शिक्षक ने अपने विषय का अध्ययन बहुत अच्छी तरह से किया हो, केवल अध्ययन ही नहीं किया हो बल्कि उसको समझा हो, उसका बोध किया हो। अध्ययन केवल ज्ञान अर्जित करने मात्र से नहीं होता, उसको सीखना, समझना, इसको अगर आधुनिक भाषा में कहें तो उसकी अंडरस्टैंडिंग उसको होनी चाहिए, उसकी समझ उसमें विकसित होनी चाहिए। साथ ही उसने जो सीखा है, जो समझा है, उसी के अनुसार वो अपना आचरण बनाए। और जब वो अपने अध्ययन में श्रेष्ठ है, उसको श्रेष्ठ बोध हुआ है, उसने श्रेष्ठ आचरण अपनाया है, तभी वो उस आचरण के अनुरूप व्यवहार करके अन्य विद्यार्थियों को तैयार कर सकता है और उनमें भी श्रेष्ठता का भाव विकसित कर सकता है। यही गुरु की संकल्पना है। इसी पर हम आगे बढ़ें तो मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि गुरु की भूमिका के विषय में भारतीय परंपरा में क्या बात की गई है, उस पर भी आप थोड़ा विस्तार से प्रकाश डालें। इस संदर्भ में मैं अथर्ववेद के सौनक संहिता की एक लाइन आपके सामने रखना चाहूँगा जी। आचार्यो मृत्यु वरुण सोम ओषधयः पयः,
ये लाइन अपने आप में गुरु की भूमिका और उत्तरदायित्व का बखान कर रहा है जी। इसके एक एक शब्द कहा जा रहा है, एक एक शब्द मैं आपके सामने रखूंगा जी। ये लाइन कह रहा है कि आचार्य कौन है, गुरु कौन है और किस रूप में वो कार्य कर रहा है। तो गुरु शिष्य के अज्ञान के लिए मृत्यु है, आचार्यो मृत्यु हो। शिष्य जो इग्नोरेंस, जो अज्ञान को लेकर गुरु के सामने आता है, उस ज्ञान का भक्षण करता है गुरु। इसीलिए जो ग्री धातु से गुरु बना है, वो शब्द का एक अर्थ होता है भक्षण करने वाला। तो गुरु अज्ञान का भक्षण करता है, तो आचार्यो मृत्यु हो। दूसरी बात जो है, आचार्यो वरुण, कैसा, किस प्रकार का वरुण है वो? तो ज्ञान के सरोवर में, ज्ञान की नदी में शिष्य को स्नान कराता है, यानी ज्ञान से सराबोर करता है वो। जो भी अज्ञानता कहीं ना कहीं उसके अंदर मैल के रूप में छुपी हुई है, वो उसमें धुल जाती है, बह जाती है। और फिर आचार्यो सोम, वो सोम जो है अमृत का प्रतीक है भारतीय परंपरा में। जी, जी। तो आचार्य ज्ञानामृत प्रदान करने वाला सोम है। और फिर कहा जा रहा है आचार्यो औषधय, यानी जो विकार शिष्य के हृदय में, शिष्य के मन में बैठे हुए हैं, घर किए हुए हैं, उन विकारों का नाश करने वाली औषधि गुरु है, जो उनका नाश करके और सर्वांगीण आरोग्यता प्रदान करती है। ये सर्वांगीण आरोग्यता शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, हर एक पक्ष की आरोग्यता है। क्योंकि आरोग्यता के संप्रत्यय पे जब हम बात करते हैं, तो एकांगी नहीं है वो, सिर्फ शारीरिक आरोग्यता नहीं है, मानसिक आरोग्यता है, नैतिक वो, भी है, हाँ, हर एक प्रकार की आरोग्यता है जी। और फिर कह रहा है आचार्यो पयः, आचार्य शिष्य को ज्ञान से पुष्ट कराने वाला, पय अर्थात दूध है। वो दूध जैसे शरीर को पुष्ट करती है, वैसे ही आचार्य विद्यार्थी को ज्ञान से पुष्ट करता है जी। जी, तो ये भूमिका गुरु की है। एक दूसरी भी लाइन मैं आपके सामने रखूंगा जी, कि किसे गुरु क्या क्या दायित्व, क्या क्या भूमिकाएं गुरु अदा करता है। तो एक लाइन है, प्रेरक सूचकश्चैव वाचको दर्शकस्तथा शिक्षको बोधकश्चैव षडेते गुरुव स्मृताः। यानी प्रेरक, प्रेरणा देने वाला, सूचकश्चैव, संकेत देने वाला कि क्या सही है क्या गलत है, सूचक के रूप में काम करता है वो, संकेत देता है जी, सही मार्ग का या सही सत्य ज्ञान का। वाचको, यानी वो सत्य बताने वाला है जी। वो भयभीत होके, एक लाइन रामचरितमानस में आती है कि सचिव गए वैद गुरु तीन जो, प्रिय भोले ही भयास, राज धर्म तन तीन कर हो ही बेगही नाश। तो गुरु का दायित्व तो है कि सत्य बोले, भय से नहीं बोले, भय से या लोभ से सत्य को छुपाए नहीं जी। तो सत्य बताने वाला गुरु है। फिर दर्शकस्त तथा मार्ग दिखाने वाला है, सही मार्ग, सही रास्ता क्या है, जिसमें खुद की भलाई और पूरे समाज की भलाई, प्रकृति की भलाई, पूरे ब्रह्मांड की भलाई है, वैसा मार्ग दिखाने वाला गुरु है। शिक्षक हो, शिक्षा देने वाला है, चाहे वो अक्षर ज्ञान हो, चाहे वो शास्त्र का ज्ञान हो, विद्या हो, कलाएं हो। और फिर बोधकश्चैव, बोध कराने वाला है, आत्मबोध हो या विषय का बोध हो। जो भी ये कार्य करता है, ये 6 गुरु के रूप में जाने जाते हैं भारतीय परंपरा। हाँ, अगर इस पर हम थोड़ा सा इसको और एक बार स्पष्ट करें, तो देखिए उसमें जब हम प्रारंभ करते हैं, तो सबसे पहले उसमें गुरु के जो 6 आपने मुख्य कर्तव्य बनाए, यदि आज के हम देखें तो लोग कहते हैं गुरु का मतलब जो आपको शिक्षा दे, लेकिन यदि आप उस श्लोक के क्रम में देखें तो शिक्षा 5वें स्थान पर है, 5वें स्थान। उससे पहले उसको सत्य बताने वाला, उसको सही मार्ग दिखाने वाला, उसको सत्य आचरण क्या है ये बताने वाला, अर्थात कहीं ना कहीं ज्ञान का अर्थ केवल पुस्तकीय ज्ञान प्रदान करना नहीं है, जीवन आचरण निर्माण करना। और उस जीवन आचरण निर्माण करने में गुरु एक शिष्य की किस प्रकार सहायता कर सकता है, भारतीय परंपरा में इसको अधिक स्पष्ट ढंग से और बहुत प्रखर ढंग से स्पष्ट किया गया है। इसके विषय में मैं जानना चाहता हूँ कि गुरु के शिष्य के प्रति क्या कर्तव्य होते हैं, इस पर भी यदि आप प्रकाश डालेंगे तो ये विषय और अधिक स्पष्ट तौर पर हमारे शिक्षार्थियों के समक्ष आएगा जी।
अब देखिए गुरु की भूमिका शिष्य के जीवन में किस किस प्रकार की है। जी जो भारतीय परंपरा में गुरु को हम देखते हैं वो गुरुकुल वाला गुरु प्रकट होता है। शिष्य घर से बाहर जाकर एक गुरुकुल में निवास कर रहा है, वहां गुरु ही उसका सब कुछ है। हाँ, प्राचीन परंपरा भारत की यही रही है। जी जी तो गुरु वहां मातृवत स्नेह व पोषण प्रदान कर रहा है, और ये स्नेह और पोषण, ये बाह्य स्नेह और पोषण तो है ही, साथ ही साथ वो जैसे कि माता गर्भ में पालती है बच्चे को, वैसे ही गुरु ज्ञान रूपी गर्भ में शिष्य को पालता है। और इसीलिए भारतीय परंपरा में एक शब्द आपके ध्यान में होगा, द्विज शब्द है। जब शिष्य गुरु के पास जाता है तो गुरु उसे द्विज बनाने की प्रक्रिया में डालता है, यानी वहां दूसरा जन्म होता है। दो बार पैदा होता है एक व्यक्ति, एक बार जब वो पैदा होता है, दूसरा जब उसका इग्नोरेंस खत्म होता है, जब उसका ज्ञान समाप्त होता है, तब उसका पुनर्जन्म होता है। और यह जो पुनर्जन्म है ये गुरु के माध्यम से होता है। इसीलिए गुरु माता के समान है जो स्नेह और पोषण प्रदान कर रहा है, और साथ ही साथ ज्ञान रूपी गर्भ में उसे पाल रहा है ताकि वो द्विज बन सके। जी दूसरा, गुरु पितृवत रक्षा करता है। जैसे पिता उन सारी बुराइयों से बच्चों को दूर रखना चाह रहा है, वैसे ही गुरु भी सारी बुराइयों से शिष्य को दूर रखना चाहता है। और साथ ही जो शिष्य और गुरु का रिश्ता है, और जो पिता और पुत्र का रिश्ता है, इसके संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है, शिष्यात् पुत्रात् पराजय। यानी कैसी पराजय आनंद देने वाली है, भारतीय परंपरा में वाक्य है, तो कौन, शिष्य और पुत्र से। जब ये पराजय का मतलब कोई लड़ाई का पराजय नहीं है, ये पराजय का मतलब है कि जब शिष्य और पुत्र पिता और गुरु से आगे बढ़ जाता है, अधिक प्रगति कोटि का हो जाता है, तो ये गुरु और पिता के लिए बहुत ही आनंद का विषय है। जी फिर देखें कि गुरु भ्रातृवत सहयोग करता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। आप लोगों ने सुना होगा, उसमें है कि हम साथ साथ श्रम करें, साथ साथ आगे बढ़ें, साथ साथ सीखें। तो ये भ्रातृवत सहयोग उसमें गुरु और शिष्य दोनों के लिए कहा गया है, तो भ्रातृवत सहयोग करता है गुरु। और फिर मित्रवत परिचर्चा करता है, उनकी समस्याओं को सुनता है, समझता है। जैसे मित्र बहुत ही नज़दीक होता है, हृदय के नज़दीक होता है, वैसे ही गुरु शिष्य के हृदय के बहुत ही नज़दीक होता है। यहाँ शिष्य और गुरु के बीच की दूरी को कम करने का स्पष्ट संकेत मिल रहा है। वर्तमान समय में जब हम देखते हैं कि शिक्षक और छात्र के बीच में एक दूरी बनी रहती है, वो दूरी भारतीय परंपरा का ही, वो दूरी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शिष्य और गुरु के बीच में मित्रवत संबंध भी होना चाहिए। जी और फिर उचित मार्गदर्शन देता है, जैसी चर्चा हमने पूर्व में की, अविद्या विद्या शास्त्र व कला का ज्ञान प्रदान करता है, आत्मज्ञान प्रदान करता है, और विद्यार्थी के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का मार्ग बताता है। जी इस प्रकार से हम देखें तो हमें लगता है कि गुरु की जो संकल्पना है और गुरु के जो विभिन्न उत्तरदायित्व हैं, खासतौर पर शिष्य के प्रति, उसके विषय में भारतीय परंपरा में बहुत विस्तार से बात की गई है। मैं चाहता हूँ इसको आप यदि और थोड़ा विस्तार दें, तो एक शिक्षक के लिए ये जानना आवश्यक है कि उसके क्या कर्तव्य हैं, उसके शिक्षक के विद्यार्थी के प्रति क्या कर्तव्य हैं, इस पर आप थोड़ा और विस्तार डालें, मेरा आपसे निवेदन है। भारतीय परंपरा का गुरु एक महत्वपूर्ण स्थान को प्राप्त करता है जी, जब वो ये कहता है, तैतरीय उपनिषद की एक लाइन में आपके सामने रखना चाहूंगा जी, यानि अस्माकं सुचरितानि तानि तव्योपास्यानि नो इतराणि नो इतराणि नो इतराणि। ये वाक्य हर एक जगह जब डिग्रियां बांटी जाती हैं, कन्वोकेशन होता है, तो ये लाइन पढ़ी जाती है। लेकिन इस लाइन के मर्म को समझना बहुत जरूरी है जी। ये लाइन कह रहा है गुरु कितना उदात्त है, कितना उच्च है, कह रहा है कि मेरे अंदर जो सुचरित हो, जो अच्छी आदतें हो, जो अच्छे गुण हो, सिर्फ उसी की उपासना करना,
वही सीखना उसी का अनुकरण करना, अन्य का नहीं। अर्थात यदि मेरे अंदर भी कुछ बुराई है तो उसको छोड़ो, बुराई का अनुकरण नहीं करना है। और ये इस बात के साथ इसके भी स्थापना करता है कि बुराई संभव है, किसी में भी हो सकती गुरु है। गुरु ही तो मानव है, उसके अंदर भी गुरु के उदात्त चरित्र को देखते हुए उसकी बुराई का भी अनुकरण करना गलत है जी। ये इस रूप में जब हम देखते हैं तो गुरु शिष्य को अपना अंध समर्थक नहीं बना रहा है, बल्कि यह दृष्टि दे रहा है कि यदि गुरु भी गलत आचरण करता है तो वह अनुकरणीय नहीं है। नहीं। ये उदात्त स्थान भारतीय गुरु का ही है जी। जी आपने बहुत विस्तार से आज बात की। प्रवीण जी ने हम सबको बताया कि भारतीय परंपरा में गुरु की क्या संकल्पना है, गुरु के क्या उत्तरदायित्व हैं, गुरु किन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, वह शिष्य के आचरण में, शिष्य के व्यवहार में, शिष्य के जीवन में और शिष्य को श्रेष्ठ ज्ञान प्रदान करने में किस प्रकार से अपनी भूमिका का निर्वाह करता है, भारतीय परंपरा में कौन गुरु हो सकता है। आज के समय में बड़ा विचारणीय प्रश्न है कि किसको शिक्षक होना चाहिए, शिक्षक कैसा होना चाहिए, गुरु कैसा होना चाहिए। भारतीय परंपरा में इस पर बहुत स्पष्ट कहा गया और उसको प्रवीण जी ने आप सबके समक्ष स्पष्ट किया, साथ ही गुरु के क्या कर्तव्य हैं उनको प्रवीण जी ने स्पष्ट किया, और अंत में जो उन्होंने कहा कि गुरु भी एक मानव है, हो सकता है गुरु में भी कुछ कमी हो, लेकिन वो कमी शिष्य ना तो धारण करे, शिष्य ना तो इसका अनुकरण करे, इसके लिए भी जब उसको दीक्षांत दिया जाता है तो दीक्षांत में ये कहा जाता है कि मुझसे वही लेना, केवल उसी का अनुकरण करना जो श्रेष्ठ है, जो अनुकरणीय है। यदि मुझ में कुछ गलत है, मुझ में कुछ अनुकरणीय नहीं है, तो वो आप नहीं लें। इतना विस्तृत विचार और इतनी स्पष्टता गुरु की संकल्पना में हमारी भारतीय परंपरा में है, विद्यमान है, विभिन्न ग्रंथों में उसकी चर्चा की गई है और उसके बहुत सारे उदाहरण प्रवीण जी ने आज दिए। बहुत सारे ग्रंथों में जो लिखा गया है, संस्कृत में जो लिखा गया है, उसका उदाहरण भी दिया और साथ ही उसको सरल भाषा में आप सबके सामने स्पष्ट किया। गुरु की संकल्पना को इतने सुंदर ढंग से और इतने विस्तृत रूप से प्रस्तुत करने के लिए मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार तिवारी जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग भी जब इसको देखेंगे और सुनेंगे तो ये चिंतन करेंगे कि गुरु के रूप में आपकी क्या भूमिका है, कैसे आप एक श्रेष्ठ गुरु बन सकते हैं। इन सब बिंदुओं पर बहुत स्पष्ट विचार देने के लिए प्रवीण कुमार तिवारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।